और अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। लखनऊ में आज देश के गृहमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक अमित शाह ने भाजपा विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 35 वर्षों बाद किसी दल को प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल हुई है। खुशी की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रदेश में अभी तक कोई व्यक्ति अपने कार्यों के आधार पर लगातार दो बार मुख्यमंत्री नहीं बना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश लंबे समय से अस्थिरता का शिकार था, प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका था और राजनीति का अपराधीकरण। आज हम सबके लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार दो तिहाई से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र रहा। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई। और उसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत लंबे समय से 2014 तक चला। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे और उस घोषणा के साथ ही समग्र देश के अंदर एक चेतना जागृत हुई थी, समग्र देश के अंदर एक खुशी और आशा की लहर दौड़ी।